देखिए भक्ति, भक्ति का सरल सा मतलब है बिना शर्त का प्रेम। हम भगवान को एक वस्तु के रूप में इसीलिए स्थापित करते हैं ताकि आप प्रेम करने की प्रक्रिया में उलझ कर ना रह जाएं। ऐसा नहीं है कि आपके बगल में बैठे व्यक्ति से प्रेम करना किसी भी तरह भगवान से प्रेम करने से कम है, पर आपकी समस्या ये है कि अगर आप आपके बगल के व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ हर तरह की उलझनों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति योग ने अपनी भक्ति का फोकस किसी दूसरी चीज पर किया है ताकि आप उलझे नहीं। तो भक्ति चाहे आपके आसपास के लोगों के लिए हो, आपके चारों ओर के संसार के लिए हो, या आपके आसपास एक व्यक्ति के लिए हो, या आपके गुरु के लिए, या आपके भगवान के लिए हो, ये बिंदु नहीं है। भक्ति की वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी भावनाओं की तीव्रता। ये इस बारे में है कि आप कितनी तीव्रता महसूस कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है विलीन हो जाना। So the path of devotion is the path of dissolution. तो भक्ति का मार्ग विलीन हो जाने का मार्ग है। आप जो भी महसूस करते हैं उसमें आप विलीन हो सकते हैं, उसके प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप में आपके बगल के व्यक्ति के लिए गहरा प्रेम है। बहुत कम लोग किसी दूसरे के लिए खुद को दे देने में सक्षम होते हैं। वे किसी और को खोज लेते हैं क्योंकि वे अपना खुद का जीवन चाहते हैं। हाँ, तो इस तरह का प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा भलाई नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको उलझाएगा। इसलिए आप एक गुरु या भगवान को चुनते हैं, क्योंकि अगर आप उलझने के इच्छुक भी हों तो भी वे आपके साथ उलझने के इच्छुक नहीं हैं। ये एक सुरक्षित प्रेम प्रसंग है, क्योंकि अगर आप उलझने की कोशिश भी करते हैं तो भी वे आपके साथ नहीं उलझेंगे। इसलिए गुरु या भगवान की ओर अपना ध्यान ले जाना बस यही है कि ये बहुत ही सुरक्षित प्रेम प्रसंग है। आप अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ महसूस कर सकते हैं पर फिर भी वे इसे उलझने नहीं देंगे, ठीक है? वरना चाहे आप अपने कुत्ते से प्रेम करें या भगवान से, ये अलग नहीं है। ये आपकी भावनाओं की गहराई है जो महत्वपूर्ण है। आप किससे प्रेम करते हैं ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपकी भावना में जबरदस्त तीव्रता लाने के लिए आपको एक वस्तु की जरूरत है जिसकी ओर आप देख सकें, कुछ ऐसा जिसकी ओर आप खुद से ऊंची भावना में देखें। सिर्फ तभी आप अपने आप में उस तरह की तीव्रता ला सकते हैं। उसी समय अगर ये बहुत ऊंचा हो जाता है तो कोई प्रेम नहीं करेगा, सिर्फ श्रद्धा होगी। तो आमतौर पर गुरु एक ऐसी भूमिका निभाता है जहां एक समय वो वहां ऊंचाई पर होता है, दूसरे समय वो बस आपकी तरह होता है। इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि उनको मनुष्य माने या भगवान। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब आप उसे एक इंसान के रूप में प्यार कर सकते हैं पर उसी समय उसे ऊपर रखकर उसकी ओर देख सकते हैं। तो वास्तव में इसमें कोई संघर्ष नहीं है। अगर आप इस तरह महसूस करते हैं तो ये अच्छा है।